परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज फिर आपके लिए एक नया प्रकरण लेकर के मैं उपस्थित हूँ, जो है वाक्य विचार। शब्द विचार हम पढ़ चुके हैं, वर्ण विचार हम पढ़ चुके हैं और अब भाषा की तीसरी इकाई यानी व्याकरण का जो तीसरा अंग है हमारा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमने आपसे पहले के वीडियोज में क्या पढ़ा था देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था भाषा के बारे में। क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? भाषा के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था व्याकरण के बारे में। किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। और हमने पढ़ा था इस व्याकरण के तीन अंग होते हैं, कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा आता है हमारा वाक्य विचार। जब आपको वर्ण समझ में आ जाएंगे तो आप शब्द बना सकते हैं और जब आपको शब्द बनाने आ जाएंगे तब आप वाक्य विचार पे कार्य कर सकते हैं, आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अब वाक्य, वाक्य होता क्या है? यदि आपको शब्दों का क्रम समझ में आ गया तो आपको वाक्य भी समझ में आ जाएंगे। तो क्या है ये वाक्य, क्या होते हैं, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। एक ऐसा सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या भावों को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, वाक्य कहलाता है। क्या कहा यहाँ? सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल सार्थक शब्द का प्रयोग ही हम हमारी हिंदी भाषा के अंदर करते हैं। और भाषा को शुद्ध लिखने पढ़ने के लिए हमें क्या सीखना आवश्यक है, हमें किसका ज्ञान होना आवश्यक है, वो है व्याकरण का, ठीक है। तो व्याकरण को सीखने के लिए हमें सबसे पहले वर्णों के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद में हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, फिर हमें वाक्य का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऐसा सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, वर्णों का सार्थक मेल क्या होता है? शब्द। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, ठीक है। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह, व्यवस्थित यानी सीरियल वाइज होना चाहिए, क्रम अनुसार होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा खेल रहे हैं बच्चे, क्या कहा मैंने? खेल रहे हैं बच्चे। क्या आपको वाक्य समझ में आया? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थित क्रम में जमे हुए नहीं है। अगर मैं कहूं बच्चे खेल रहे हैं तो आपको वाक्य समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कर्ता और क्रिया अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से लगे हुए, अपने व्यवस्थित क्रम में जमे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है वाक्य? सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह जिसके द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। एक चीज और हमने यहाँ देखा, सार्थक और व्यवस्थित क्रम, ठीक है। जो वाक्य होते हैं, वाक्यों में व्यवस्थित क्रम में चार प्रकार से होते हैं, उनमें अन्विति आता है, अन्विति यानी क्रम होता है, आकांक्षा होती है यानी एक वाक्य सुनकर के दूसरे वाक्य का जानना, क्या कहलाता है? आकांक्षा कहलाता है। फिर निकटता होती है उनकी, जैसे संधि समास कार्य, संधि समास जो कार्य होता है वो हम करते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य को जो है वो कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वाक्य जो है हमारे क्या होता है? सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का क्रम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां वाक्य लिखा है दादी माँ कहानी सुनाती है, दादी माँ कहानी सुनाती है। तो दादी माँ कहानी और सुनाती है, यहाँ पर जो वाक्य है वो व्यवस्थित क्रम में जमा हुआ है, ठीक है। दादी माँ यहाँ कौन है? कर्ता, ठीक है। कार्य को करने वाला कौन हुआ? कर्ता। फिर यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है? कहानी का, ठीक है। क्या हो रहा है? कहानी का। और क्रिया क्या हो रही है? सुनाने की। क्रिया क्या हो रही है? सुनाने की। अर्थात वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है, फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है? कर्म आता है, और तीसरे नंबर पर क्रिया आती है। कर्म और क्रिया एक से होते हैं, ठीक है। फिर है भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक व्यवस्थित शब्द समूह को ही क्या कहते हैं हम? वाक्य कहते हैं। आई बात आपको समझ में? कर्ता के सबसे पहले कौन आता है? कर्ता आता है। जो अन्विति होती है, जो क्रम होता है, किसका होता है? सबसे पहले कार्य करने वाला व्यक्ति आता है, सबसे पहले कार्य को जो कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है, उसका विवरण होता है। फिर कर्म क्या हो रहा है वहां पर, वो होता है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर क्रिया का नंबर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। उद्देश्य और विधेय, जैसे आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वैसे हम हिंदी भाषा में भी उद्देश्य और विधेय पढ़ते हैं। उद्देश्य को आपको आपके अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है, और इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए, उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य के अंदर जिसके बारे में भी कुछ कहा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है। जैसे यहाँ वाक्य है, विमला गीत गाती है, विमला गीत गाती है, तो यहाँ पर विमला के बारे में बताया जा रहा है कि वो गीत गाती है, ठीक है। तो जिसके बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, ये वाक्य विमला के बारे में, तो यहाँ पर विमला क्या हुई, हमारा उद्देश्य हो गई, ठीक है। आगे है विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे वहां क्या था, विमला गीत गाती है, विमला गीत गाती है, विमला क्या हो गई, हमारा उद्देश्य। अब उसके बारे में जो भी लाइन आगे बताई जा रही है आपको, कि वो गीत गाती है, तो वो गीत गाती है क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। यहाँ पर है, दादी ने मालपुए बनाए, दादी ने मालपुए बनाए, तो कौन कर रहा है कार्य, यहाँ कार्य करने वाला कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, दादी के बारे में, तो हमारी दादी क्या हो गई, यहाँ उद्देश्य, ठीक है। और मालपुए बनाए, क्या कार्य कर रही है वो, मालपुए बनाने का ये क्या हो गया, हमारा विधेय, ये क्या हो गया, हमारा विधेय, ठीक है। आपको वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो तो हमारा उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो भी बात बताई जाती है वो हमारा विधेय होता है। ये थे हमारे वाक्य के अंग। अब है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, और एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। हम सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पर हमारे जो वाक्य होते हैं वो आठ प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य, फिर आता है निषेधवाचक वाक्य, फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य, फिर आता है विस्मयवाचक वाक्य, इसको विस्मयादि भी बोला जाता है, फिर आता है संदेहवाचक वाक्य, फिर आता है आज्ञावाचक वाक्य, फिर आता है संकेतवाचक वाक्य, और अंतिम आता है इच्छावाचक वाक्य। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं कि कौन सा वाक्य क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। क्या होता है विधानवाचक वाक्य, देखिए, जिस वाक्य में क्रिया के होने या न होने की स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाला कथन हो, यानी कि जिस वाक्य में यह बताया जाए कि क्रिया कहां हो रही है, कैसे हो रही है, और कब हो रही है, और कितनी क्रिया हो रही है, वो क्या कहलाता है, विधानवाचक कार्य कहलाता है। अर्थात विधानवाचक क्या होता है, जहां क्रिया के होने का तरीका, समय या प्रक्रिया पता पड़ती है, वो वाक्य क्या कहलाता है, हमारे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए क्या कहा है यहाँ पर, क्रिया जो है कहां हो रही है, क्रिया के बारे में बात हुई है, सिर्फ कहां हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, और कितनी हो रही है, इस बारे में जिस वाक्य में पता पड़ता है वो कौन से होता है, हमारे विधानवाचक वाक्य होते हैं। ये सरल वाक्य भी होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब सूर्य यहां पर क्या है, हमारा किसके बारे में बात हो रही है, सूर्य के बारे में क्या बात हो रही है, कि ये पूर्व में उदय हो रहा है, ये क्या हो गया, हमारा विधेय, क्या हो गया, ये
विद है, क्योंकि सूर्य के बारे में बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है, उदय होने की। तो कार्य क्या हो रहा है यहाँ, उदय होने का, क्या कार्य हो रहा है यहाँ, उदय होने का। अब ये जो उदय होना है साधारण वाक्य है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, पूर्व में, कहाँ हो रहा है, पूर्व में। तो ये क्रिया का स्थान हुआ ना, कहाँ हो रहा है, तो ये क्या क्रिया के बारे में बता रहा है यहाँ वाक्य में। तो ये सरल वाक्य भी है, साधारण वाक्य भी इसे कहते हैं, और विधानवाचक वाक्य भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब आप सभी जानते हैं, निषेध मतलब नहीं, मना होना, अर्थात निषेधवाचक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया के होने का, यानी कि कार्य के होने का निषेध किया जाए, अर्थात उस कार्य को करने से मना किया जाए, नहीं किया जाए। वो वाक्य कौन से होते हैं हमारे, न करने या न होने का पता चलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने का बोध होता है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है उसमें, वो कौन से होते हैं हमारे, निषेधात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ब्रजेश आज विद्यालय नहीं जाएगा, ब्रजेश आज विद्यालय नहीं जाएगा। यहाँ पर ब्रजेश क्या हो गया, कर्ता, और कर्ता क्या होता है हमारा, उद्देश्य। ठीक है, आज विद्यालय नहीं जाएगा, ये क्या हो गया हमारा विधेय, क्या हो गया हमारा विधेय। अब आज विद्यालय नहीं जाएगा, क्रिया क्या हो रही है यहाँ, जाना, और नकारात्मक हो रही है, अर्थात नहीं की हो रही है। तो ये क्या हो गया हमारा, निषेधवाचक वाक्य हो गया। क्रिया नहीं होने का बोध हो रहा है यहाँ, क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ मना कर रहा है कि वह आज विद्यालय जाने का कार्य नहीं करेगा। तो जहाँ नहीं, कार्य के नहीं होने का बोध होता है, वहां क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है आपको, प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्न क्या होता है, प्रश्न होता है। ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का एहसास होता है, अथवा जिस वाक्य से यह पता चलता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान बताऊं आपको, क्वेश्चन मार्क, अर्थात प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है, प्रश्न चिन्ह जो होता है, वो आपको वाक्य के अंत में आवश्यक रूप से मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस भी वाक्य में, या तो ऐसे देख लीजिए, प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है, वहां प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन यदि ऐसा ही है, ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको प्रश्न सूचक चिन्ह देखना है, प्रश्न जो चिन्ह है इसे देखना है, उसे देख करके आप वाक्य का पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है अपने, मामा जी कब आएंगे, ये देखिए क्या दिखा आपको, चिन्ह दिखा ये। ठीक है, किसका चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, मामा जी कब आएंगे, तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है, आने की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मामा जी कब आएंगे, ये शब्द कौन सा है, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से एक है कब। ठीक है, तो जिन शब्दों में प्रश्न किया जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, वो वाक्य क्या कहलाते हैं हमारे, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है, अरे चौकीदार कहाँ गया, अरे चौकीदार कहाँ गया। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि चौकीदार कहाँ गया, प्रश्न सूचक शब्द क्या है यहाँ, कहाँ। तो इससे पता पड़ रहा है कि क्रिया के होने की बारे में पूछा जा रहा है कि वो गया कहाँ, चौकीदार के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न कि वो कहाँ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, क्या, ठीक है, आश्चर्य। लेकिन आश्चर्य हर्ष, शोक, घृणा और क्रोध आदि भावों का, यानी विस्मयवाचक जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के अंदर आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा और क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं, उसमें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यानी इन वाक्यों के अंदर आपका आश्चर्य या फिर हर्ष या फिर शोक या फिर क्रोध प्रकट होता है, उन वाक्यों से आपकी इन भावों का पता पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, ये विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे
छी छी छी, तुमने यहाँ कितनी गंदगी फैला रखी है। ये वाक्य सुनते ही आपके मन में कौन सी फीलिंग्स आई, क्या महसूस हुआ आपको? घृणा। क्या महसूस हुआ? घृणा। ठीक है, तो ये जो शब्द है छी छी, ये क्या कहते हैं, इन्हें विस्मयवाचक शब्द होते हैं, विस्मय सूचक शब्द होते हैं। और ये जो चिन्ह होता है ये वाला, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे कहते हैं। ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। और ये जो छीछी है ये विस्मय सूचक शब्द है। और तुमने यहाँ कितनी गंदगी फैला रखी है, तो ये किस शब्द, किस फीलिंग को, किस भाव को व्यक्त कर रहा है? हमारे घृणा के भाव को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो जिन वाक्यों से हमारे आश्चर्य, शोक, घृणा, क्रोध आदि का पता चलता है, आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है हमारा, वाह कितने सुंदर फूल हैं। क्या है? वाह कितने सुंदर फूल हैं। अब इस वाक्य को पढ़ने के बाद में आपके मन में कैसी फीलिंग आई, कैसे भाव आए, आपको क्या महसूस हुआ? सुंदरता का, हर्ष का महसूस हुआ। ठीक है, हर्ष आपको महसूस हुआ है। तो एक चीज और ध्यान रखिए, जो विस्मयवाचक वाक्य होता है उसमें देखिए विस्मय सूचक चिन्ह आ रहा है हमारा, कौन सा? ये विस्मय सूचक चिन्ह आ रहा है हमारा। तो इन वाक्यों में आपको शुरुआत में विस्मयादि बोधक जो हमारे चिन्ह होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको वही मिलेगा अगर विस्मयवाचक वाक्य है तो। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य आपको क्या मिलेगा? आपको प्रश्न चिन्ह मिलेगा। ऐसे ही विस्मयवाचक वाक्य होते हैं आपको उसके अंदर ये विस्मय सूचक चिन्ह मिलेगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह और विस्मयवाचक में आपको विस्मय वाला चिन्ह मिलेगा। ठीक है, साथ में वाह, ये वाह शब्द जो है वो किसको प्रकट कर रहा है? आपके हर्ष को प्रकट कर रहा है। ठीक है, आगे हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेह आना क्या होता है? आशंका होना। संदेह क्या कहलाता है? आशंका। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, क्या कह रहा है? कार्य में के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आई बात आपको समझ में? प्रश्नवाचक में आपसे प्रश्न पूछेगा, विधानवाचक में एकदम सरल वाक्य होगा, फिर हमारा जो विस्मयवाचक वाक्य है उसके अंदर क्या होगा? विस्मय आएगा। विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के बारे में बताया जाएगा। और हमारा निषेधवाचक वाक्य, उसमें निषेध किया जाएगा, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। संदेहवाचक वाक्य जो होते हैं हमारे, इस संदेहवाचक वाक्यों में क्या होगा? हमारा कार्य के होने में संदेह होगा। ठीक है, पूरी तरह कार्य हुआ है या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं होगी। जैसे जैसे हमारा उदाहरण है क्या, देखिए, शायद इस वर्ष सर्दी लंबी पड़ेगी, कंफर्म नहीं है, वो पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि इस बार सर्दी लंबी पड़ेगी या नहीं, तो इसलिए इसने किस शब्द का प्रयोग किया यहाँ? इस शायद शब्द का प्रयोग किया, जो कि संदेह को व्यक्त कर रहा है, आशंका को व्यक्त कर रहा है। तो जिन वाक्यों में आशंका होती कार्य के होने या न होने की, वो वाक्य कौन से होते हैं? हमारे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। सर्दी हो सकता है लंबी पड़े या सर्दी हो सकता है छोटी पड़े, आपको कुछ पता है क्या? नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर इसने शायद शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। आगे बढ़ते हैं हम आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा क्या होती है? ऑर्डर देना किसी को, कार्य के लिए बताना, कार्य करवाने के लिए उसको बोलना। जैसे जिस वाक्य में आज्ञा अनुमति, प्रार्थना, आदेश, निवेदन आदि का भाव प्रकट है, उसे प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वाक्य की अपनी अपनी विशेषता है, ध्यान रखिएगा। जहां हम पहले वाक्य से शुरू करके हम इस वाक्य पे आए हैं, तो प्रत्येक वाक्य में अपनी अपनी विशेषता है, उनकी पहचान ही है। जैसे मैंने आपको प्रश्न सूचक में बताया था प्रश्न चिन्ह, विस्मयवाचक में बताया था विस्मय चिन्ह, निषेधवाचक में निषेध, सरल वाक्य में सरलता, सरलता एकदम जो विधानवाचक वाक्य था हमारा उसके अंदर, फिर उसके बाद में हमारा संदेहवाचक आया था, उसमें संदेह व्यक्त किया गया। आज्ञावाचक वाक्य में या तो कार्य खुद न करवा करके किसी और से करवाया जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, आज्ञावाचक
आज्ञा दी जाती है दूसरे को कार्य करने के लिए। कैसे? देखिए यहाँ आज्ञा दे रहा है वो, अंदर कमरे में बैठकर पढ़िए, बैठकर पढ़ाई कीजिए। तो कीजिए यानी कार्य करवाने के लिए, करने के लिए। वो खुद नहीं कर रहा है, वो दूसरे व्यक्ति से करवाने के लिए, कार्य को करने के लिए उसे प्रेरित कर रहा है। अंदर कमरे में बैठकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कार्य करता है, खुद नहीं कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति को कार्य करने के लिए यहाँ बोल रहा है कि अंदर कमरे में बैठिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि बाहर बैठ के हमारी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो आज्ञावाचक कार्य क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आज्ञा दी जाती है, अनुमति दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, और ऐसे वाक्य जो होते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संकेत वाचक वाक्य क्या है? संकेत वाचक वाक्य, संकेत यानी क्या होता है? डायरेक्शन करना, संकेत करना, ठीक है। जिस वाक्य में किसी शर्त के आधार पर, जिस वाक्य में किसी शर्त के आधार पर किसी कार्य का होने का ज्ञान होता है, अथवा जिस वाक्य से यह पता चले कि कार्य होने के पीछे कोई शर्त है, तो उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जब हमें ये पता पड़े कि वाक्य में कंडीशन है, क्या है? शर्त है, और शर्त के आधार पर वो कार्य किया जा रहा है, तो वहां कौन से शब्द, कौन सा वाक्य होता है? वहां संकेत वाचक वाक्य हमारा होता है। अब संकेत वाचक वाक्य जो है उसके उदाहरण क्या होंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी शर्त के आधार पर किसी कार्य के होने का ज्ञान हो, या जिस वाक्य से यह पता चले कि कार्य होने के पीछे कोई शर्त है, कार्य के होने के लिए कोई शर्त होना आवश्यक है, वो हमारा वाक्य कौन सा होगा? संकेत वाचक वाक्य होगा। जैसे यदि माँ कहेगी तो मैं घूमने जाऊंगा। यहाँ पर पहला शब्द तो यदि और दूसरा शब्द तो, शर्त रख रहा है माँ कहेगी तो मैं घूमने जाऊंगा। अब यहाँ पर शर्त क्या है? माँ के कहने की। यदि माँ उसे आज्ञा देगी, माँ उसे कहेगी, तभी तो वो घूमने जाएगा, परमिशन उसे मिलेगी तभी तो वो घूमने जाएगा। तो शर्त क्या है? वो तभी जाएगा जब माँ उसे जाने के लिए कहेगी। तो इस प्रकार वाक्य में शर्त होती है, ठीक है। और ये जो वाक्य होते हैं हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए जैसे संकेत वाचक वाक्य क्या है हमारा? संकेत वाचक वाक्य, यदि बुआ जी आई, यहाँ पर भी वही शब्द आया हमारा, क्या? यदि, कौन सा शब्द आया? यदि बुआ जी आई तो हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। शर्त क्या रख दी कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? जब बुआ जी आएगी। बुआ जी नहीं आई तो ताजमहल भी नहीं जाएंगे। क्या कह रहा साहब? कह रहे यदि बुआ जी आई तो हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे, ठीक है। ये क्या था हमारा? संकेत वाचक वाक्य। आखिरी है हमारा वाक्य, जो अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे उनमें अंतिम आता है, इच्छा वाचक वाक्य। इच्छा क्या होती है हमारी? इच्छा क्या होती है? हमारी आकांक्षाएं, ठीक है, हमारी मनोकामनाएं, क्या हम चाहते हैं, वो हमारी इच्छाएं होती है। जिस वाक्य में इच्छा, जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट हो, उसे इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम आशीर्वाद देते हैं ना, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, चिरायु हो, चिरंजीवी भव, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये एक इच्छा सूचक, इच्छा वाचक वाक्य होते हैं। देखिए जैसे जैसे उदाहरण है, चलिए बगीचे में बैठे, चलिए बगीचे में बैठे। उसकी इच्छा क्या हो रही है? वक्ता की जो उद्देश्य हमारा, वो क्या कहना चाह रहा है कि चलिए हम बगीचे में जाकर बैठते हैं। तो यहाँ पर बैठे कामना हो रही है यहाँ पर, और कामना होना क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य हमारा होता है। जैसे काश, क्या है यहाँ? काश,
मैं भी हिमालय घूमने जा पाता, मैं भी हिमालय घूमने जा पाता। यहाँ जो क्रिया हो रही है ना, देखो यहाँ जो ये क्रिया हो रही है ये हमेशा भविष्य काल में होती है। कैसी होती है? भविष्य काल के अंदर होती है। तो काश मैं भी हिमालय घूमने जा पाता, भूतकाल की है, भविष्य की नहीं, भूतकाल की है, ठीक है। तो यहाँ पर काश ये जो शब्द आया है ये कैसा है? इच्छा सूचक शब्द है, इच्छावाचक शब्द है। और आप इससे वाक्य का पता लगा सकते हैं कि उसकी कामना क्या है, उसकी इच्छा क्या है हिमालय घूमने जाने के, लेकिन वो जा नहीं पाया, वो जा नहीं पाया। तो ये था हमारा अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा वाक्य के भेद किसके आधार पर, हमारी रचना के आधार पर वाक्य भेद हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं नई नई जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।